वीर सिंह विक्टोरिया की याद में वीर सिंह विक्टोरिया मेमोरियल यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब डुग्गन की ओर से डुग्गन हाई स्कूल में 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें आज फाइनल मुकाबला भरमोता और डुग्गन की टीम में खेला गया। भरमोता की टीम ने इस फाइनल मुकाबले को जीतकर इसी के साथ टूर्नामेंट अपने नाम की। बाद में इन सभी खिलाड़ियों को पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लीडर खुशबू भगत एवं NHPC के GM सुप्रकाश अधिकारी और समाज सेविक दर्शन सिंह मौजूद थे। तो आपको बताते चले कि वीर सिंह विक्टोरिया को 16 पंजाब रेजिमेंट की ओर से इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर SHO बनी शाहनवाज गिरी, तहसीलदार बनी सुदेश कुमार और कैप्टन GS संधु भी मौजूद थे। बनी अपडेट के लिए संजीव परिहार की ये रिपोर्ट। इसके बाद तहसीलदार बनी फूल माला चढ़ाएंगे वीर सिंह विक्टोरिया के चेयर पर, उनको श्रद्धांजलि देंगे। तमाम हमारे यहाँ पे आए हुए अतिथिगण यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं हमारे वीर सपूत वीर सिंह जी को। बहुत ही गौरव का क्षण हमारे लिए। किसी ने बिल्कुल खूब फरमाया है, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे मेले हर बरस, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे मेले हर बरस, वतन पे मिटने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा। इसमें कोई शक नहीं है, आज भी इनकी चिताओं पे इनके स्मारक बनाए गए हैं, इनके लिए म्यूजियम्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहाँ पे इनको हर वर्ष इनको याद किया जाता है, इनको सम्मानित किया जाता है। जितने भी हमारे अलग अलग बार के अंदर, जैसे हमारे करगिल बार के अंदर हमारे जो वीर जवान शहीद हुए थे, उनको हर वर्ष करगिल दिवस के रूप में उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको सम्मानित किया जाता है, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है। तो हम सब भारतीयों का ये फर्ज बनता है कि हम इन वीर जवानों का सम्मान करें, इनके योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। और संपन्न होता चले अफगान के लिए, अच्छा बॉल था जावेद का, अच्छा टैग, कुछ देर तक बॉल हवा में, रामलाल काफी देर तक बॉल हवा में, इस बार अच्छा टैग का। लेकर देखिए वीर सिंह विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। सर्वप्रथम तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी और सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि आज दूसरी दफ़े मुझे जो है यहाँ पे बुलाया गया। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि बनी खूबसूरत है, बनी का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके लिए कुछ किया जाए, टूरिज़्म के रास्ते खोले जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लाई जाएँ, क्योंकि यहाँ के लोगों में, यहाँ के बच्चों में, यहाँ के युवाओं में टैलेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनके टैलेंट को आगे बढ़ाना भी हमारा फ़र्ज़ है, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, कोई भी पार्टी हो, गवर्नमेंट हो। मैं जितने बार भी बानी आया हूँ, हर बार यही कहता हूँ कि बानी एक खूबसूरत जगह है और जो कश्मीर को जो जन्नत कहा जाता है, उसका एक टुकड़ा, उसका नमूना यहाँ दिखा जाता है। और यहाँ लोगों का प्यार, लोगों का भाईचारा, साथ में मिलजुल के सारे प्रोग्राम को अंजाम देना, ये एक मिसाल है। और आज का भी जो ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर देखा है, वीर सिंह मेमोरियल यूथ क्लब की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया, इतना दूर दूरांत के इलाका में इतना बढ़िया प्रोग्राम बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बच्चे को खेल कूद और बच्चे को अपना हेल्थ एडुकेशन और साथ में मिलजुल के भाईचारा के साथ कैसे रहना पड़ता है, ये एक सही में एक मिसाल है। और हर बारी मैं बानी में आके खुश होता। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा दिन था
हमारे डुग्गन के जो वीर शहीद हुए थे द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें एक हमारे डुग्गन के योद्धा का भी बहुत बड़ा योगदान था। एक तरफ यूएसए, यूके, फ्रांस, पोलैंड, चाइना ऐसे देश थे, एक तरफ इटली, जर्मनी और जापान जैसे देश थे, और हमारे भारत से उस समय हमारा हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेज़ों का राज था हिंदुस्तान पे, और हमारे भारत की तरफ से हमारे यहाँ के जो वीर सिंह जी थे इन्होंने हमारे डुग्गन का पूरा नाम रोशन करा पूरी दुनिया में। आज अंग्रेज़ भी इनके नाम को जानते हैं और हमारा पूरा देश पूरा मान सम्मान, और हम इनको बहुत आज श्रद्धांजलि का समारोह था यहाँ पे, और बहुत हमने सबने इनको श्रद्धांजलि दी है। बाकी यहाँ पे आज वॉलीबॉल का मैच टूर्नामेंट भी हुई है, जो यहाँ के क्लब ने जो वीर सिंह अपना विक्टोरिया मेमोरियल जो क्लब है यहाँ का उनकी तरफ से वॉलीबॉल का मैच का भी जो आयोजन किया गया था वो भी बहुत शानदार मैच रहा, और मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।